हाय गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। ये सामने मैदान किलोमीटर तक मैदान जो आपको दिखाई दे रहा है, अब जूम कर करके मैं चारों तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ बड़े बड़े नील गायों के झुंड, मादा नील गाय एक तरफ दिखेंगे आपको और उनके साथ हर झुंड के साथ एक नर नील गाय भी दिखेगा, ब्लू बुल। तो अब हम और जूम करते हैं और जूम करते हैं और ये देखते हैं एक छोटा सा नील गायों का झुंड। ये सारे एंटीलॉप्स का ध्यान मेरी तरफ, हालांकि मैं बहुत दूर हूं। वैसे नजर कमजोर होती है नील गाय की, कान बड़े तेज होते हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र में कैमरे को चारों तरफ अगर मैं घुमाने की कोशिश करूंगा तो आप देखोगे, जिधर देखोगे उधर इस तरीके से अब झुंड नीलगायों को नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे दुख की बात है कि इस पूरे एरिया में, मेरे गांव के आसपास का जो एरिया है उसमें सिर्फ 3 या 4 जगह ऐसी हैं जहां इनको पानी की व्यवस्था है, वो दूर दूर है। अब बहुत ध्यान से टकटकी लगाकर 2 नीलगायें और 4 इनके बच्चे हैं। एक सबसे अच्छी बात मेरे को पिछले 2-3 साल में जो नजर आ रही है वो ये है कि नीलगाय अब एक की जगह ज्यादातर नीलगाय 2-2 बच्चे देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये संख्या काफी आगे जाने वाली है। और इनको बचाने में मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है। आप सोचोगे मोबाइल से नीलगाय को बचाने का क्या संबंध है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ब्रिगी है, एक कास्ट है हमारे यहाँ ब्रिगी, वो इनको मार के शिकार करते थे। तो पहले लोगों को कोई सबूत नहीं होता था, अब मोबाइल में वो ब्रिगी अगर बंदूक लेके इस रामा में कहीं भी जंगल में घूमता हुआ दिख जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं। नीलगाय को अगर मारता हुआ नजर आता, वीडियो बना के सरकार को सूचना कर देते हैं, इसलिए ये इतनी संख्या में बचे हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।